हेलो दोस्तों, देखिए ये हमने टेक्सोमो कंपनी का पंप को ले लिया है। इस पंप जाम है दोस्तों, बहुत ही जाम है। इस मोटर को हम जाकर बोर के अंदर जहाँ पर मोटर लगा था वहाँ पर जाकर चेक किए तो मोटर 30 एम्पियर बताया दोस्तों। और निकाला गया मोटर, चेक किए हमने तो देख रहे हैं तो मोटर ठीक है, इसका पंप जाम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पंप को खोल रहा है दोस्तों। ये गारंटी नहीं होता है दोस्तों कि आप 30 एम्पियर मोटर ले रहा है तो आपका पंप ही जाम हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसको चेक किए मोटर बाहर निकाल कर तो पंप जाम है दोस्तों। इसका पंप हम रिपेयर करने वाले हैं, खोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सारा नट हम खोल चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे आगे का फॉर्जिंग को। देखिए ठोके तो सारा बोल्ट मोहरी नीचे आ गया है दोस्तों, इसको खींच लीजिए बाहर आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा मारेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस नट को रख देते हैं अस्थिर। अब पिलर को हम निकालेंगे दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, ये खींच रहे हैं तो बाहर नहीं आ रहा है। अब इसको हम ठोकेंगे, ठोकेंगे तो देखते हैं बाहर आ जाता है कि नहीं। 80% पंप है जो दोस्तों ठोकने से बाहर आ जाता है, मगर दोस्तों ये बाहर नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा जाम है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको निकालने का कुछ दूसरा तरीका ढूंढते हैं। तो चलिए दोस्तों, पीछे से जो स्टड वाला मात है पीछे, उस पर हम पेचकस रख कर ठोक रहे हैं। आप चाहें तो गोल रॉड रख कर भी ठोक सकते हैं। तो देखिए गाइज, ये हमने पेचकस रख कर इसको ठोक रहे हैं, बाहर आ चुका है दोस्तों। हल्का हल्का ठोक ठोक कर बाहर ले लेंगे। देखिए ध्यान में रखिएगा कि एम्पिलर ना फूटे। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये एम्पिलर को हम बाहर ले चुके हैं, ये खोखला को हम धो लेते हैं। देखिए दोस्तों, धोते समय ध्यान में देना होता है कि दोस्तों इसमें बाबरी होता है, हाथ में ना लगे। देखिए दोस्तों, इसको हम धो चुके हैं। अब एम्पिलर को बोल्ट को ऊपर वाला हिस्सा को खोलेंगे दोस्तों। देखिए गाइस, इसमें हम थोड़ा सा पीट दिए थे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। अब पाइप रिंग से पकड़ कर खोल रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, आराम से खोलिए, एम्पिलर ना फूटे ना टूटे ध्यान में रखिए। अगर दोस्तों इसका एम्पिलर ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये चाबी है दोस्तों, इस चाबी को हम निकाल लेंगे। चाबी निकालने के बाद ये ऊपर वाला एम्पिलर है दोस्तों, इसको हम ध्यान में रखेंगे कि ये ऊपर था। देखिए दोस्तों, नहीं ध्यान में है तो ऊपर रख दीजिए। देखिए दोस्तों, बारी बारी से एम्पिलर को निकाल लेंगे। बाल्टी में पानी ले लिए हैं, डालेंगे एम्पिलर को, देखेंगे चापका नहीं है, रगड़ नहीं खाया है तो रगड़ खाया है बात चेंज कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसका एम्पिलर सब ठीक है गाइज, इसको हम स्टड को धो लेते हैं। स्टड धोने के बाद देखिए दोस्तों, इस बेस को हमें रगड़ना होता है, साफ करेंगे इसको तभी इसमें सेटिंग करेंगे, फिनिशिंग तरीके से सेटिंग होगा, नहीं तो कंकड़ रह जाएगा तो सेटिंग अच्छा नहीं आएगा दोस्तों। इसको हमें साफ ही करना पड़ता है, फिनिशिंग तरीके से साफ कर लेंगे, इसको पानी से धो लेंगे। तो देखिए गाइज, ये हमने पानी से धो चुके हैं। जब भी आप पंप सेट कीजिए, मोटर में ही कस कर सेट कीजिए तो अच्छा रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सारा नट खोल चुके हैं, इसको हम दो नट फंसा देंगे, एक एक साइड एक उस साइड, आमने सामने का बोल्ट हम कस देंगे पाना से। आप जब भी मोटर पंप बनाएंगे तो मोटर में कस कर ही पंप बनाइए, अच्छा रहता है दोस्तों, फिनिशिंग रहता है दोस्तों। नहीं तो आप पंप नहीं फिनिशिंग रहेगा दोस्तों, चलेगा फिर जाम हो जाएगा 15 दिन 10 दिन के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसको नीचे वाला बेस है दोस्तों, इसको हम अच्छा से सेंटर ले लेंगे जहाँ पर नट का साता है दोस्तों। देखिए हम अच्छा से सेंटर ले चुके हैं, ऊपर वाला इसका हिस्सा कवर चुका है, इसको भी हम बैठा देंगे गाइज। तो देखिए दोस्तों, इसको हम बैठा चुके हैं। अब देखिए एम्पिलर डालेंगे यहाँ पर, देखिए यहीं पर ध्यान देना होता है दोस्तों, एम्पिलर कैसे डालें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे एम्पिलर ना सटे ध्यान में देना होता है दोस्तों। 3 mm एम्पिलर को ऊपर ही रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 mm ये एम्पिलर ऊपर है गाइज, देखिए इसको हम बैठा कर ऊपर भी देखेंगे कि ऊपर नहीं सट रहा है। देखिए दोस्तों, स्टड को खींचेंगे ऊपर, देखिए दोस्तों ऊपर नीचे हो रहा है, ये ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरा एम्पिलर बैठाते हैं, नीचे गैप रखेंगे इसमें भी 3 mm। अगर गैप नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, गैप नहीं है तो वाशर आता है, एक स्टील वाशर, इसको डालेंगे तो ऊपर हो जाएगा। अगर ज़्यादा ऊपर हो रहा है तो क्या करेंगे? एम्पिलर को गैप के ऊपर वाला माथ को हम रगड़ लेंगे ज़्यादा ऊपर हो रहा है तो। तो चलिए गाइज, ये एम्पिलर को बैठा रहे हैं, बारी बारी से देखेंगे कि हर एम्पिलर के नीचे गैप है या नहीं,
स्टॉक को ऊपर कर कर देखेंगे कि ऊपर हो रहा है नहीं, नीचे हो रहा है नहीं। तो देखिए दोस्तों, हर एम्पिलर के नीचे हम 3 mm के गैप रखेंगे, आप भी 3 mm के गैप रखिए। तो देखिए दोस्तों, हम लमसम सारा एम्पिलर बैठा ही चुके हैं, देखिए गैप आपको हम दिखाएंगे कितना गैप होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए इसमें कितना गैप है। देखिए दोस्तों, इतना गैप रखेंगे कि आपका जब मोटर चले, पंप चले, तो ना ही नीचे सटे ना ही ऊपर सटे। देखिए दोस्तों, सारा एम्पिलर बैठा चुके हैं हम, ये ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों, इसको भी बैठा लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, ये स्टड ऊपर नीचे हो रहा है ना। देखिए दोस्तों, ये स्टड ऊपर नीचे हो रहा है, ये उसके बाद ये था दोस्तों, इसको डालेंगे। उसके बाद चाबी, तब बूस को डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये चाबी है गाइज, तब इसको हम बूस को डालेंगे ऊपर से। देखिए दोस्तों, पिलास से पकड़ कर इसको हम टाइट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने नट को वाशर भी डाल दिए हैं, हम नट को कसेंगे पिलास से पकड़ कर, अच्छा तरीक़े से कसिए, फिनिशिंग तरीके से टाइट कर देंगे थोड़ा, कि खुले ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप भी अच्छा तरीके से टाइट कर दीजिए पिलास से पकड़ के, बूस पे बाबरी ना हो, ये भी ध्यान में रखें। तो देखिए दोस्तों, पंप आपका इस तरह बनने के बाद ऊपर नीचे होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका पंप फिनिशिंग है। तो चलिए दोस्तों, एक और बात ध्यान में रखेंगे, ये ऊपर वाले हिस्सा को बैठा दिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होता है दोस्तों, पंप सेटिंग करने के बाद यही हमें काम करना होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम माप रहे हैं, इस खोखला ओला से हम एम्पिलर को 2 mm या 3 mm ऊपर ही रखेंगे, बड़ा रखेंगे। बड़ा क्यों रखेंगे गाइस, कि बड़ा इसलिए रखेंगे कि एम्पिलर पे हमें दाब पड़े, एम्पिलर फैले ना, नहीं तो फैलेगा तो एम्पिलर जाम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इस पर दाब देंगे तभी फिनिशिंग माना जाएगा, 2 mm 3 mm दाब देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर दाब नहीं पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए, एक वाशर है दोस्तों, वो आता है मार्केट में, मिल जाता है उसको एम्पिलर का साइज़ का, उसको हम एम्पिलर का बेस के साइज़ का सॉकेट बोला जाता है दोस्तों, उसके माथ के ऊपर रख देंगे तो ऊंचा हो जाता है दोस्तों, एक 2 mm 3 mm का वाशर आता है। तो चलिए गाइस, इसको हम बैठा रहे हैं, बैठाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हल्का हल्का ठोकी, एम्पिलर टूटे ना, ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमने बैठा चुके हैं, नॉट वाला सेंटर ले चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये कितना गैप है, 3 mm का गैप रखे हैं दोस्तों, आप भी इतना 3 mm के गैप रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस नॉट को खोल लेते हैं, ये हमारा एम्पिलर सेट हो चुका है। देखिए, इसको बाहर कर लेंगे, बाहर करने के बाद दोस्तों, इस सारा बोल्ट को हम अच्छा से टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, टाइट करते समय ध्यान में देना होता है दोस्तों, एम्पिलर अंदर ही ना फूटे, बारी बारी से नट को कसेंगे हम, आराम आराम से नट को कसेंगे, हबड़ाएंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने लमसम सारा नट को फंसा लिए हैं, अब टाइट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइट करेंगे, बारी बारी से कसेंगे, हल्के हल्के कसेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं एक बार कर देंगे, बारी बारी से टाइट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये टाइट हो चुका है हमारा, अब पंप कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पंप अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है, घूम रहा है, तो आपका पंप फिनिशिंग है दोस्तों, ठीक है। आप इस तरह पंप भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पंप हमारा बनकर रेडी हो चुका है।